हेलो दोस्तों, एक नई टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा दीवान डबल बेड पड़ा रखा हुआ है और इसकी जो प्लाई होती है ऊपर की, वो दोस्तों ये 6x6.5 की प्लाई पड़ी हुई है। तो ये कोई भी प्लाई आती नहीं है डेली में, तो हम लोगों को ये प्लाई को बनाना पड़ता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम दिखाएंगे कि ये प्लाई कैसे बनती है, इसमें ज्वाइंट डाला जाता है तो वो कैसे डलता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और देखिए। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इंटीरियर से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए कमेंट जरूर करिएगा, और इंटीरियर से जुड़ी जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग दोस्तों बेड की ऊपर के प्लाई के लिए प्लाई काट लेते हैं। तो हम लोग एक को देखिए दोस्तों काट लें 3 फिट की, और एक हमारी रहेगी 4 फिट की। इसको 3 फिट करी कर लेते हैं हम लोग, और लंबाई में 6.5 फिट की कर लेंगे। तो बस जल्दी से इसको काट करके आपको दिखाते हैं आगे का कार्य। ये हम लोगों ने 3 फिट की कर ली है। अब इसको 6.5 फिट की कर लेंगे। इसको अभी बड़ी रखेंगे हम लोग, क्योंकि बाद में बॉर्डर और बांध फिनिशिंग करने के लिए काटना पड़ेगा, काट लेंगे इसको बाद में हम लोग। तो हम लोगों ने 6.5x4 की एक प्लाई और 6.5x3 की एक प्लाई काट ली है। तो 6.5x3 की जो प्लाई है उसके हम लोग देखिए दोस्तों 2 इंची फंटी फाड़ रहे हैं। आधी प्लाई मतलब 1.25 इंची की जो होती है उसमें से हम लोग 3 सूत काट दे रहे हैं। कटर गेज हम लोगों ने सेट कर रखा, पहले लाइनर पूरे मार ले रहे हैं। तो हम लोग ये 2 इंची में पूरे हम कटर चला लेंगे। ये हम लोगों ने कटर डाल लिया पूरे में। अब इसकी हम लोग सफाई करेंगे राउटर मशीन से। हम लोगों ने प्लाई को किनारे कर दिए, और भैया इसमें तब तक डाल रहे हैं दूसरी प्लाई है ये 6.5x4 की प्लाई में 2 इंची का ही दोस्तों भैया भी कटर मार देंगे, और हम लोग अभी इसको करते हैं साफ। तो देखिए दोस्तों हम लोग राउटर को सेट कर लेते हैं पहले, और सेट करने के बाद तुरंत जल्दी जल्दी से साफ़ हो जाएगा। दोस्तों हथौड़ी चौसी से थोड़ा साफ कम होता है, पर आप लोग कर सकते हैं। हम लोग राउटर से साफ कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा और सफाई से काम हो जाएगा। दोस्तों लोगों को आपने देखा होगा कट भी मारते हैं, बड़े बड़े कट निकालते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, मजबूती इसी में ही आ जाती है। और दोस्तों आज का नहीं है, मैंने जाने कितने बेडरूम डाला है, आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई कभी भी। आप लोग भी ये तरीका आजमा सकते हैं और कर सकते हैं इस तरीके से भी काम, इससे जल्दी हो जाता है और दोस्तों माल भी वेस्टेज कम होती है। देखिए जल्दी जल्दी इसको हम लोग साफ़ कर लेते हैं, और इसी तरह से दूसरे वाले को भी साफ़ कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसको फेविकोल से देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए बचा कुचा हम लोग रंधा मार के साफ़ कर लेते हैं। ये भी साफ कर लिया हम लोगों ने। हमारी दूसरी प्लाई दोस्तों साफ हो गई है देखिए, और बराबर जगह पे इन दोनों ने इसको बिछा लिए। अब इसमें फेविकोल लगाते हैं हम लोग। दोस्तों भर भर के फेविकोल लगाएंगे, कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे फेविकोल लगाने में, जिससे अच्छे से चिपक जाए। थोड़ा बहुत फेविकोल बाहर भी आ जाएगा तो इसको बाद में सफाई कर दी जाएगी। और नीचे देखिए हम लोगों ने अखबार भी छा लिया, जिससे कि फ़र्श में कुछ ना लगे फेविकोल हमारा। इसीलिए आप लोग भी नीचे माइका के अखबार आते हैं निकलते हैं दोस्तों, उसको आप बिछा सकते हैं अलग से अगर नहीं बिछाना चाहते हैं। और दोनों हम लोग फेविकोल लगा लेंगे कि कहीं पर भी बचे ना।
बस अभी कॉल लग चुका है हमारा इसमें अब। अब इसको हम लोग पलटा करके इसी में ही रख लेंगे। और दोस्तों कीलियाँ, मैं तो कहूँगा कीलियों का प्रयोग ना करें इसमें। इसमें ये अच्छा है कि आप 1.25 इंची पेंच का इस्तेमाल कर ले, उससे ज़्यादा मजबूती आ जाती है दोस्तों। ये देखिए पहले हम लोग उसमें फरक्के मार लेते हैं बिट से, और फरक्का मार करके हम लोग डायरेक्ट टाइटल मशीन से उसको कस देंगे। ये देखिए दोस्तों हल्के से टेढ़े पेंच इसलिए मार रहे हैं कि पेंच निकले ना बाहर, और जल्दी से चलते हैं इसको भर लेते हैं पेंच को। पेंच भरने के बाद आप लोग इसमें क्या कहते हैं, अगर कहीं पे हल्का फुल्का ग्रुप आ रहा है तो बुरादा आसान करके फेविकोल से वो भी आप लोग भर सकते हैं, और उसके बाद में इसमें ग्लाइंडर और रंधे के माध्यम से इसको एकदम धार को साफ कर लेंगे, जो भी ऊपर नीचे होगा बराबर कर लेंगे। ग्लाइंडर का प्रयोग भी कर सकते हैं आप लोग सावधानी के साथ। और इसमें दोस्तों माइका लगाएंगे खड़े रेसे में, जैसे ऐसे करके जॉइंट आया है तो आप लोग खड़े में देखिएगा, बेड़े में देखिए, ये देखिए खड़े में हम लोगों ने माइका लगा दी है। तो ऐसे माइका लगा करके हम लोगों ने इसमें कर दिया सेट इसको, और दोनों तरफ लोगों ने माइका लगा दी। तो जो नीचे दोस्तों पट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, फिनिशिंग से काम हो जाता है, और यह हाइड्रोलिक बेड चल चुका।